हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम बना रहे हैं पटेटो पिन व्हील्स, जिसके लिए पहले हम मैदे की डो बनाएंगे। उसके लिए हमें चाहिए मैदा, कलौंजी, कुकिंग ऑयल, नमक और पानी। चले अब पहले हम मैदे की डो बना लेते हैं। पहले हम एक बाउल में मैदा ले लेंगे, उसमें हम डालेंगे कलौंजी। अगर आप चाहें तो आप इसमें अजवाइन भी डाल सकते हैं। और अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से, और हम इसमें डाल देंगे कुकिंग ऑयल। चलिए पहले हम इसे मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। हमें इसमें इतना ऑयल ऐड करना है जैसे कि हम इसे अच्छे से मिक्स करें, और अपनी मुट्ठी में ऐसे आटे को लें तो वो अच्छे से बॉल की तरह हो जाए, टूटे ना। देखें सही, हमने इसमें ऑयल डाला था, अब ये देखें आटा में मुट्ठी की तरह बन गया। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे, और हम पानी थोड़ा सा पहले ऐड करेंगे क्योंकि हमें ज़्यादा डो हमें सॉफ्ट नहीं चाहिए। तो पहले मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है इसमें, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और अगर ज़्यादा पानी की ज़रूरत होगी तो हम वो बाद में ऐड कर देंगे। ये देखिए हमारी डो अच्छे से बन चुकी है, और हम इसे थोड़ा सा ऊपर से ऑयल लगा के इसको कवर करने के लिए रख देंगे 15 से 20 मिनट तक, और तब तक हम बनाएंगे आलू का मिक्सचर। चलिए स्टार्ट करते हैं आलू का मिक्सचर बनाने के लिए। उसके लिए हमें चाहिए मैश किए हुए आलू, हरा धनिया, हरी मिर्च, अदरक का पेस्ट, जीरे का पाउडर, लाल मिर्च, चाट मसाला और नमक। चलिए पहले हमने गैस पे फ्राई पैन रख दिया, उसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा ऑयल। अभी हमें इस फ्लेम को थोड़ा सा लो पे रखना है। जब हम इसमें आलू डालेंगे तभी हम थोड़े से फ्लेम को बढ़ा देंगे। हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे अदरक का पेस्ट, और हमें अदरक के पेस्ट को जस्ट थोड़ा सा सौते करना है। ज़्यादा इसको गोल्डन सा कलर नहीं देना, जैसे खुशबू आना स्टार्ट हो जाए तो हम इसमें स्पाइस ऐड कर देंगे। चलिए हमारा अदरक का पेस्ट सौते हो चुका है, अब इसमें डालेंगे जीरा पाउडर, चाट मसाला और लाल मिर्च, और थोड़ा सा सॉल्ट डाल देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, और इसे मिक्स कर लेंगे जिससे हमारे मसाले भी पक जाएं। चलिए मसाले हमारे पक चुके हैं, अब हम इसमें डाल देंगे मैश्ड और बॉईल किए हुए आलू, और इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। अब हम थोड़ा सा फ्लेम को मीडियम पे कर देंगे, और इसे मिक्स कर लेंगे। चलिए आलू और सारे स्पाइसेस आपस में अच्छे से मिक्स हो गए, अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्चें और हरा धनिया डाल देंगे। हरी मिर्चें और हरा धनिया आपको ऐड में ही डालना है, और ये डालने के बाद आपको फ्लेम को ऑफ कर देना है, और तब इसको हम रख देंगे ठंडा होने के लिए मिक्स करके। देखिए अच्छे से मिक्स हो गए, और हम इसे रख देंगे थोड़ा सा ठंडा मिक्सचर होने के लिए। ये देखिए हमारी डो भी तैयार है, 15 से 20 मिनट हमें इसे रखा था, और आलू का मिक्सचर भी तैयार था। अब हम इसे थोड़ा आटा लेके इसकी बड़ी सी रोटी बना लेंगे। अगर आपका आटा चपक रहा हो रोलिंग पिन पे तो थोड़ा सा मैदा छिड़क लीजिएगा, या फिर आप ऑयल भी लगा सकते हैं। चलिए ये देखिए हमारी रोटी बन गई, अब हम इस पे आलू का मिक्सचर लगा देंगे, और इसे हाथों की मदद से या फिर आप कोई भी स्पून लेके इसे पूरी रोटी पे स्प्रेड कर दें। ये देखिए हमने आलू का जो मिक्सचर बनाया था वो लगा दिया है, अब हम इसे रोल की तरह बंद कर देंगे। ये हमारा बंद हो चुका है, अब आप जिस हाथ दोनों हाथों की मदद से इसे ऐसे बेलिएगा जिससे ये टाइटली बंद हो जाए।
और अब हम इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगी। जितने आपको मोटे रखने उतने ही कीजिएगा, मैंने इतनी साइज रखी है 1/2 इंच। इसे हम कट कर लेते हैं। तब तक के लिए हमने फ्लेम पे ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। जब तक वो ऑयल गर्म होगा तब तक हम अपने ये बना लेंगे। कट हो चुके हैं। अब एक एक पीस लेके आप देखिए इसे सीधा रखें और हाथों की मदद से थोड़ा सा प्रेस कर लें। देखिए हमारे पोटैटो पिनव्हील्स तैयार हैं। जस्ट हमें अब इसे फ्राई करना है। ऐसे ही हम अपने सारे पोटैटो पिनव्हील्स बना लेंगे। आप इसे चाय के साथ ट्राई कर सकते हैं। चाय के साथ ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये हमारे देखें सारे तैयार हैं। अब हम एक सलेरी बनाएंगे जिसमें हम पोटैटो पिनव्हील्स को डिप करके फ्राई करेंगे। हमने इसमें ले लिया था मैदा और थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे और एक थिन सी सलेरी बना लेंगे। पहले मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है, थोड़ा सा और ऐड कर लूँगी जिससे कि ये थिन सी एक सलेरी तैयार हो जाए। ज़्यादा अब इसे थिक मत रखिएगा। ये देखिए हमारी तैयार है। मैं आपको कंसिस्टेंसी की दिखा देती हूँ। ये देखें कितनी थिक है ये। चलें ये देखिए हमारा ऑयल भी गर्म हो चुका है। अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए मैंने एक पोटैटो पिनव्हील लिया और इसको सलेरी में डिप करके फ्राई करने के लिए हमने ऑयल में ऐड कर लिया। ऐसे ही हम अपने बाकी के भी डिप करके फ्राई कर लेंगे। फ्लेम को आपको लो टू मीडियम रखना है। फ्लेम ज़्यादा हाई मत कीजिएगा वरना ये अंदर से कच्चे रहेंगे। हम सारे डिप करके फ्राई करने के लिए डाल देंगे। देखिए फ्राई हो रहे हैं। हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका था। अब इसे आप 2 से 3 मिनट छोड़ दीजिएगा, उसके बाद ही टर्न कीजिएगा। देखिए नीचे से हल्का सा कलर आया है। अब हम इसे 5 से 6 मिनट तक छोड़ देंगे। ये देखिए हमारे पिनव्हील्स को कितना अच्छा सा ब्राउन सा कलर आ चुका है और ये बहुत ही क्रिस्पी भी हैं। इसे हम प्लेट में निकाल देंगे। आप ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसे बनी थी। आप इसे बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। बच्चे बहुत ही इंजॉय करेंगे इसको। ये देखिए हमारे पोटैटो पिनव्हील्स तैयार हैं। इसको आप टमाटो केचप के साथ खाएं या फिर टी टाइम में आप इसे चाय के साथ बना के खाइएगा।